हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन एग्रोनॉमी। ये एग्रोनॉमी का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स। इसमें हम रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ये सबसे फर्स्ट लेक्चर है और इसका टॉपिक है वीट, मीन्स गेहूँ। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, फोर्थ सेमेस्टर के मैंने और भी लेक्चर्स लिए थे, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड एंटोमोलॉजी पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम वीट का समझते हैं। वीट का बॉटनिकल नेम होता है टिटिकम स्पीशीज़। इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, मींस टिटिकम एस्टेवर्म, टिटिकम मोनोकोकम, टिटिकम डोरम, टिटिकम डाइकोकम। बहुत सारी वीट की स्पीशीज़ होती हैं जिन्हें हम इस लेक्चर में समझेंगे, और इसकी फैमिली होती है ग्रैमिनी। सो मैक्सिमम सीरियल्स की और मोस्टली सीरियल्स की फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी होती है। वीट का ओरिजिन हुआ है साउथ वेस्ट एशिया से। सो ये थी वीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जानते हैं। सबसे पहले वीट को कॉमनली हम गेहूँ बोलते हैं। इसके अलावा वीट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करने वाली क्रॉप है, मींस पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सीरियल्स में से सबसे ज़्यादा जो क्रॉप लगाई जाती है वो है वीट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये सेकंड नंबर पे आता है, मींस राइस के बाद सेकंड नंबर वीट का आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीट के जो स्टोर्स होते हैं, मींस वीट प्लांट का जो रेसिड्यू होता है उसे कैटल्स के लिए फॉडर जैसे यूज़ करते हैं। अगर हम वीट की न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो वीट काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 60-70% प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन 8-15% प्रेजेंट होता है, और मेनली इसमें जो प्रोटीन होता है उसका नाम है ग्लूटेन। और इसमें फैट प्रेजेंट होता है 1.5-2% एंड सेल्यूलोस और फाइबर का अमाउंट है 2-2.5% एंड शुगर 2-3% एंड लास्ट मिनरल मैटर प्रेजेंट होते हैं इसमें 1.5-2%। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है कि वीट को हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इसको स्टार्च, ग्लूटेन, माल्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वीट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो ये थी वीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके बाद यहाँ पर वीट की कुछ स्पीशीज़ दी हुई हैं। वीट की 3 स्पीशीज़ होती है, हेक्साप्लोइड स्पीशीज़, टेट्राप्लोइड स्पीशीज़ और डिप्लोइड स्पीशीज़। हेक्साप्लोइड स्पीशीज़ में क्रोमोसोम नंबर होता है 42, और इसमें 2 टाइप की स्पीशीज़ आती हैं, टिटिकम एस्टिवम और टिटिकम वल्गेर। टिटिकम एस्टिवम, ये वेराइटी इंडिया में सबसे फेमस है। इसे 87% एरिया में लगाया जाता है, और इसे हम मैक्सिकन ड्राफ वीट भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको कॉमन ब्रेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। टिटिकम एस्टिवम को इवॉल्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एन ई बॉर्लॉग, और ये मैक्सिको से थे, इसीलिए इसका नाम मैक्सिकन ड्राफ वीट रखा गया था। सेकेंड टाइप की स्पीशीज़ है टिटिकम वल्गेर। टिटिकम वल्गेर को हम ब्रेड वीट भी बोलते हैं, और ये टिपिकली टॉल ट्रीज होते हैं जो कि रेनफेड एरियाज में लगाए जाते हैं। इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं जैसे कि C13, C306, K65 एंड K68। इसे इंग्लिश वीट के नाम से भी जाना जाता है।
और ट्रिटिकम एस्टिवम एंड ट्रिटिकम वल्गर इन दोनों का ही क्रोमोसोम नंबर होता है 42 और इसे हेक्साप्लोइड स्पीशीज बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेट्राप्लोइड स्पीशीज। टेट्राप्लोइड स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर होता है 28 और इसमें टेट्राप्लोइड स्पीशीज की दो वैरायटी होती है, ट्रिटिकम ड्यूरम एंड ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम एस्टिवम के बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट वेराइटी ट्रिटिकम ड्यूरम है, जो कि 12% एरिया में लगाई जाती है। इसे हम मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं। जो हम पास्ता और मैक्रोनी खाते हैं वो ट्रिटिकम ड्यूरम से ही बनता है। ये सबसे ओल्ड और बेस्ट वेराइटी है, जो कि ड्राउट कंडीशन में भी लगाई जाती है और इसे बोल सकते हैं कि ये एक ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटी है, या फिर इस वैरायटी को हम रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन मींस जहाँ पर पानी की कमी है और इरिगेशन प्रॉपर नहीं है उस जगह पर भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। ट्रिटिकम ड्यूरम से बहुत सारी प्रिपरेशन किया जाता है, जैसे कि सेमिया, स्पैगेटी, सूजी। सो जो नूडल्स खाते हैं हम, स्पैगेटी और सूजी, जिसे उपमा पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर बहुत सारी डिशेस बनती है सूजी से, वो सभी ट्रिटिकम ड्यूरम से ही बना है। ट्रिटिकम ड्यूरम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ है मालविका, HT4530, जयराज एंड मेघदूत। सो ट्रिटिकम ड्यूरम इंडिया में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। इसके बाद टेट्राप्लोइड स्पीशीज में सेकंड है ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम को हम इमर वीट भी बोलते हैं। इसे साउथ स्टेट्स में लगाया जाता है, जो कि उपमा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिप्लोइड स्पीशीज दी हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 14। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम एंड ट्रिटिकम मोनोकोकम डिप्लोइड स्पीशीज के एग्जाम्पल हैं। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को हम इंडियन ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको क्लब वीट भी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के लिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो अरुण काथियान और कॉलेज नोट्स एंड बुक को भी प्रेफर किया है। सो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपटीशन पर्पज़ के लिए और ग्रेजुएशन पर्पज़ के लिए, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एरिया एंड प्रोडक्शन। वीट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करने वाला फूड क्रॉप है, मींस पूरे वर्ल्ड में सीरियल्स में से सबसे ज़्यादा जिस क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है वो है वीट। वीट की मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, USA, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं UP, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड बिहार। इंडिया में पंजाब में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस किया जाता है, मींस अगर हम एरिया और प्रोडक्शन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन पंजाब में ही होता है। और अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वीट की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बिहार में की जाती है। ये जो डेटा है ये वेरी कर सकता है, मींस मैंने देखा था कि बुक्स में और नोट्स में कुछ अलग दिया हुआ था, लेकिन जब मैंने अरुण काथियान को प्रेफर किया तो उस बुक में इसमें हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन में पंजाब ही दिया हुआ था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। इसमें हम वीट प्लांट की फिजियोलॉजी को समझते हैं। सबसे फर्स्ट है रूट सिस्टम। वीट प्लांट में दो टाइप के रूट सिस्टम होते हैं, प्राइमरी रूट सिस्टम और सेकेंडरी रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट सिस्टम को हम टेम्पररी रूट सिस्टम भी बोलते हैं। जब सीड जर्मिनेट होता है, मींस जब हम वीट को सॉइल में लगाते हैं, तब उस टाइम पे
जो सीड जर्मिनेट होता है और वो रूट्स डेवलप करता है, और उस टाइम पर जो रूट्स आती हैं उसे प्राइमरी रूट सिस्टम और टेम्पररी रूट सिस्टम बोला जाता है। जिस जगह पर हम सीड लगाते हैं उसके नीचे की तरफ ये रूट्स ग्रो करने लग जाती है। इसके बाद सेकंड टाइप की रूट सिस्टम है सेकेंडरी रूट सिस्टम, इसे हम परमानेंट रूट सिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंडरी रूट सिस्टम सीड लगाने के 21 to 25 days में के बाद ग्रो करती है। सो सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट के ऊपर की साइड ग्रो करती है। मींस अगर हम बात करें तो बीच में सीडलिंग होता है और सीड होता है, उसके बाद जो फर्स्ट रूट अराइज होगी वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी और उसे प्राइमरी रूट सिस्टम बोलते हैं। इसे हम सेमिनल रूट भी बोलते हैं। अगर 21 to 25 days बाद रूट सीडलिंग के ऊपर की तरफ ग्रो करती है उसे हम सेकेंडरी रूट सिस्टम और क्राउन रूट सिस्टम बोलते हैं। इस रूट को क्राउन रूट बोलते हैं। ये रूट सॉइल सरफेस के पास ग्रो करती है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, बीच में सीड दे रखा है और उसके नीचे जो रूट्स ग्रो कर रही हैं उसे सेमिनल रूट या फिर प्राइमरी रूट सिस्टम बोला जाता है, और जो रूट्स सीडलिंग के ऊपर ग्रो करती है उसे क्राउन रूट बोला जाता है। इसे क्राउन रूट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो शेप होता है वो क्राउन जैसा होता है, क्वीन का जो ताज होता है वैसा कुछ दिखता है। क्राउन रूट स्टेज सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है वीट प्लांट की। इसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें तो वीट प्लांट का स्टेम राउंड और सिलेंड्रिकल होता है, और इसमें जो स्टेम होता है उसे हम कल्म बोलते हैं। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स में 4 types के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है लीव्स शेड। तो जहाँ से लीफ अराइज होती है, लीफ का जो बेसल पार्ट होता है बेस वाला, कल्म के जो पास होता है वो कल्म को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम लीफ शीट बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है लीफ ब्लेड। जैसा कि हमने देखा है वीट प्लांट में जो लीव होती है वो एकदम फ्लैटेंड होती है और पैरेलल वेनेशन होता है उसके अंदर, सो उस पार्ट को हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। इसके बाद है लाइक्यूल। लाइक्यूल लीफ का मेम्ब्रेनस और कार्टिलेजियस पार्ट होता है, मींस जहाँ से लीव अराइज होती है वहाँ पर जो कॉलर टाइप का पार्ट होता है उसे लाइक्यूल बोलते हैं, और कॉलर से जो पार्ट अराइज होता है जो हॉर्न लाइक होता है उसे ऑरिकल बोला जाता है। सो ये है वीट प्लांट की मॉर्फोलॉजी। अब हम इसे पिक्चर में देखते हैं। सो ये है वीट प्लांट। यहाँ पर सबसे पहले जो रूट्स दी हुई हैं वो है सेमिनल रूट, और इसके ऊपर जो लीव्स हैं उसे टीलर्स बोला जाता है। फिर ये स्टेम है जो बीच में स्ट्रेट है और इसे राउंड और सर्कुलर होता है। इसमें फिर लीव्स होती हैं जिसे लीफ ब्लेड बोला जाता है। वीट प्लांट में इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक बोला जाता है, और स्पाइक में ग्लूम प्रेजेंट होते हैं। राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दिया हुआ है वहाँ पर जो मिडल लाइन है उसे रैचिला बोला है, और ये साइड में एक वीट ग्रेन है, और वीट ग्रेन की जो आउटर ब्रेक्ट होती है उसे लेमा बोलते हैं और इनर ब्रेक्ट को पेलिया बोलते हैं, और पेलिया जब एक्सटेंट होता है, एक्सटेंशन हो जाता है उसे ऑन बोला जाता है। इसके बाद अगर हम वीट प्लांट के इनफ्लोरसेंस की बात करें तो यहाँ पर फ्लावरिंग पोर्शन को ईयर या फिर हेड बोला जाता है, और बॉटनिकल लैंग्वेज में उसे स्पाइक बोलते हैं। इसके बाद ग्रेन के बीच में जो जिगजैग एक्सिस होती है उसे रैचिस बोला जाता है। वीट एक कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हम वीट की सॉइल की बात करें तो वीट एक वाइड वैरायटी में लगने वाला प्लांट है जो कि लाइट से हैवी टाइप की सॉइल्स में लग सकता है। लेकिन अगर हम यूजुअली बात करें तो एल्यूवियल सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल वीट प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है और पीएच इसमें 5.5 टू 7 तक का चाहिए होता है। वीट प्लांट को ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन्ड और मॉडरेटली ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वीट को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, मींस जर्मिनेशन के टाइम पे 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। टीलरिंग स्टेज के टाइम पे 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एंड राइपनिंग के टाइम पे 23 टू 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके अलावा वीट ड्राउट कंडीशन में, मीडियम टेम्परेचर कंडीशन में, एक्सेस सॉइल मॉइस्चर कंडीशन में भी लग सकता है। और अगर रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल 25 टू 150 सेंटीमीटर तक वेरी करती है, मींस वीट प्लांट 25 टू 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल में लग सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीडबेड प्रिपरेशन। वीट प्लांट को लगाने के लिए और वीट ग्रेन को लगाने के लिए कॉम्पैक्ट सीडबेड चाहिए होता है जिसमें प्लॉइंग की जाती है। इसमें बोल सकते हैं हम डीप प्लॉइंग की जाती है जो कि 15 टू 20 सेंटीमीटर तक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 to 3 टाइम्स हैरोइंग की जाती है और सीड प्रिपरेशन करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि फील्ड के अंदर किसी टाइप के स्टबल्स नहीं हो और वीड्स नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट हैरोइंग से पहले इसमें फार्म यार्ड मैन्योर को अप्लाई किया जाता है एट द रेट ऑफ 10 टू 15 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है सीड सोइंग। सीड ट्रीटमेंट के लिए हम फंजीसाइड्स एट द रेट ऑफ 2.5 पर केजी से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ टाइप के फंजीसाइड्स को हम यूज़ करते हैं, वीटावैक्स, थीरम, एग्रोसेन। इसके अलावा हम बायोफर्टिलाइज़र एजिटोबैक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 250 ग्राम ईच पर 10 केजी ऑफ सीड्स। सो ये था इसका सीड ट्रीटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है सोइंग टाइम, मींस सीड कब लगाए जाते हैं। इरिगेटेड लैंड में फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में सीड लगाए जाते हैं। फोर्टनाइट का मतलब होता है 1 से लेकर 15 तक का जो टाइम होता है, उस टाइम पर नवंबर के मंथ में इरिगेटेड लैंड में सीड लगाए जाते हैं। अगर हम रेनफेड एरिया की बात करें तो वहाँ पर अक्टूबर में सेकेंड फोर्टनाइट में सीड लगाए जाते हैं, मींस 15 से लेकर 30 तक के टाइम पे। और अगर सीड्स को नवंबर में 15 नवंबर के बाद अगर लगाया जाए तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यील्ड में रिडक्शन हो सकता है, मींस 25 क्विंटल पर हेक्टेयर से प्रोडक्शन कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट है सीड रेट। इरिगेटेड और टाइमली सोइन एरिया में सीड रेट होता है 100 टू 125 केजी पर हेक्टेयर और इरिगेटेड लेट सोइंग एरिया में होता है 125 टू 150 केजी पर हेक्टेयर। और अगर रेनफेड एरिया की बात करें तो वहाँ पर सीड रेट होता है 75 टू 100 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो स्पेसिंग में 22.5 सेंटीमीटर मेंटेन किया जाता है टाइमली सोन एरिया में, और लेट सोन एरिया में 18 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस मेंटेन की जाती है। यहाँ पर सीड सोइंग करने के लिए बहुत से मेथड्स होते हैं जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ड्रिलिंग यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन हम बोल सकते हैं कि
वीट प्लांट में 4 to 5 times इरिगेशन किया जाता है। फर्स्ट है ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज में, मींस जब हम सीड लगाते हैं डेज आफ्टर सोइंग, सीड सोइंग करने के 20 से 25 दिन बाद फर्स्ट इरिगेशन किया जाता है। नाउ सेकंड इरिगेशन टीलरिंग स्टेज में, मींस सीड लगाने के 40 टू 45 डेज बाद किया जाता है। और थर्ड इरिगेशन लेट जॉइंटिंग स्टेज, मींस सीड लगाने के 70 टू 75 दिन बाद लगाया जाता है। फोर्थ है फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज सीड लगाने के 90 टू 95 डेज बाद इरिगेशन किया जाता है। फिफ्थ इरिगेशन दो स्टेज में सीड लगाने के 110 टू 115 डेज बाद किया जाता है। अगर हम इरिगेशन में सबसे क्रिटिकल स्टेज बोले तो वो है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, मींस अगर किसी फार्मर के पास सिर्फ एक टाइम की इरिगेशन करने की फैसिलिटी है तो उस टाइम पर वो ओनली क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में ही इरिगेशन करेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वेराइटीज, टाइमली सोन इरिगेटेड टाइमली सोन वेराइटीज है NIAW 301, NIAW 917, NIAW 295, गोदावरी, तबोवन एंड त्रयंबक। लेट सोइंग वेराइटीज है NIFD 34, AKW 4626 और रेनफेड वेराइटीज़ है पंचवटी, AKDW 299716। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर फार्म यार्ड मैन्योर को एट द रेट ऑफ 10 टू 15 टन पर हेक्टेयर से अप्लाई किया जाता है। इरिगेटेड टाइमली सोन में NPK को 120:60:40 रेट से अप्लाई किया जाता है पर हेक्टेयर में। अगर इरिगेटेड लेट सोन एरिया की बात करें तो वहाँ पर 80:40:20 kg NPK पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है और रेनफेड एरिया में 40:20 kg NPK पर हेक्टेयर से यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हम जो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं उसको स्प्लिट डोज में अप्लाई किया जाता है, मींस सोइंग के टाइम पे हाफ नाइट्रोजन फुल डोज ऑफ P2O5 एंड फुल डोज ऑफ K2O को अप्लाई किया जाता है और बाकी जो हाफ डोज नाइट्रोजन का होता है उसे फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे अप्लाई किया जाता है। इसका एक रीज़न है क्योंकि नाइट्रोजन एक वॉलेटाइल कंपाउंड है और लीचिंग से बचने के लिए हम नाइट्रोजन को स्प्लिट डोज में अप्लाई करते हैं। इसके बाद हार्वेस्टिंग की बात करें तो जब लीव्स और स्टेम येलो हो जाता है और जब एकदम फेयरली डार्क ड्राई हो जाते हैं तो उस टाइम पे वो मैच्योरिटी का साइन होता है कि उस टाइम पर हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम होता है जब स्पाइक्स 80% राइपेंड हो जाते हैं और जब ग्रेन्स में 20% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस टाइम पर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर हम यील्ड की बात करें तो रेनफेड एरिया में यील्ड होती है 12 टू 14 क्विंटल पर हेक्टेयर, इरिगेटेड लैंड में होती है 40 टू 45 क्विंटल पर हेक्टेयर और लेट सोइंग एरिया में होती है 35 टू 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। नाउ लास्ट टॉपिक है वीड मैनेजमेंट एंड डिजीजेस। वीट प्लांट में फेलेरिस माइनर, एविना फर्टुआ टाइप की वीड्स लग जाती है जिसे हम मिमिक्री वीड भी बोलते हैं क्योंकि ये अपीयरेंस में बिल्कुल वीट प्लांट जैसी ही दिखती है। फेलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए ट्रिबूनील या फिर डोजानेक्स को एट द रेट ऑफ 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर हेक्टेयर से अप्लाई किया जाता है, मींस जब सोइंग करते हैं उसके 32 टू 35 डेज बाद इन्हें अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा डोजानेक्स एंड आइसोप्यूट्रोन को एविना फर्टुआ वाइल्ड ओट के लिए भी अप्लाई किया जाता है। अगर हम डिजीजेस की बात करें
तो वीट प्लांट में रस्ट, ब्राउन रस्ट डिजीज़ हो जाती है जो कि पक्सीनिया रेडोनीटा की वजह से होती है। इसके अलावा येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, लूजिस मस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सभी डिजीजेस होती हैं। अगर पेस्ट की बात करें तो यहाँ पर टर्माइट्स, पिंक बॉरर, एफिड्स और रोडेंट्स प्लांट्स में इन्फेस्टेशन कर सकते हैं। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट वीट। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।